सब्सक्राइब कीजिए हिंदी स्टोरी एंड सक्सेस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टोरी एंड सक्सेस चैनल में। तो दोस्तों, यदि आज तक आपने इंटरनेट में ईमेल, फेसबुक, ट्विटर व अन्य वेबसाइट का इस्तेमाल सिर्फ अपने मनोरंजन व टाइम पास के लिए करते थे, तो मैं आज आपको मेक मनी ऑनलाइन का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको इंटरनेट पर उतना ही टाइम बिताना होगा जितना आप अभी भी बिताते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले आप सिर्फ मनोरंजन और अपने टाइम पास के लिए करते थे, मगर अब आप मनोरंजन के साथ साथ पैसा भी कमाएंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला है दोस्तों, शॉपिंग वेबसाइट पर सामान बेचें, सेल योर प्रोडक्ट और ऑनलाइन शॉपिंग। दोस्तों, इंटरनेट या ऑनलाइन पर सामानों को सेलिंग करना बहुत ही आसान होता है। आपको किसी भी अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सेलर अकाउंट खोलना होगा और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एक गैलरी बनाना होगा। बस और क्या, आपके सामने लोगों को दिखने लगेंगे और सभी मौजूद वेबसाइट आपके सामान के बिकने के बाद एक छोटी सी फीस लेते हैं। सभी शॉपिंग वेबसाइट सेलर अकाउंट की सुविधा नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पुराने सामानों को OLX या क्विकर जैसे वेबसाइट पर बेचकर पैसे कमाना। दोस्तों, एक बात तो पक्का है, ऐसे कई सामान हैं जो आपके घर में बेकार पड़े रहते हैं और उनका आपके जीवन में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ऐसे में उन सामानों को बेच देना ही सही है। ऑनलाइन भारत में पुराने बिना उपयोगी सामानों को बेचने के लिए दो बेहतरीन वेबसाइट हैं, OLX और क्विकर। बस आपको दो चीज़ें करने की आवश्यकता है। पहले आपने अपने घर में बिना उपयोगी सामानों की एक लिस्ट बनानी है और उनकी अलग अलग साइट से हाई क्वालिटी फ़ोटो खींचकर OLX और क्विकर सेल लिस्टिंग में डाल दें। आप अपने दोस्तों का भी सामान इस वेबसाइट पर बेच सकते हैं और कुछ कमीशन भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन अपने नोट्स बेचें। क्या आप अच्छे नोट्स बनाते हैं? क्या आप जानते हैं स्टूडेंट अपने नोट्स को बेच सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं? कैसे, चलिए बताते हैं। आप तो जानते हैं नोट्स कितना ज़रूरी होता है किसी भी पढ़ाई के टॉपिक को याद कर रखने के लिए। नोट्स इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह आपके 7 बार के पढ़ने के बाद याद होने वाले टॉपिक एक बार में याद रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने नोट्स स्वयं बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अगर आप अच्छे नोट्स बनाते हैं तो आप अपने नोट्स को उन दूसरे स्टूडेंट को ऑनलाइन नोट्स बेच सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत आवश्यकता है। आपको पता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर नोट्स का बहुत डिमांड है और यह सेफ और करेक्ट है। अपने मूल्यवान नोट्स को इंटरनेट पर ज़रूरत के लोगों को पैसों के बदले में बेचना पूरी तरीके से सही है। आप अपने नोट्स को बेचने के लिए बस स्कूल का नाम, क्लास, सब्जेक्ट का नाम दर्ज करने की ज़रूरत है। आप अपने हाथों से लिखे नोट्स के फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। इन नोट्स बेचने वाले वेबसाइट पर कमाई आपके नोट्स की क्वालिटी, क्लास और स्टूडेंट के रेटिंग के अनुसार होता है। अपने
लिखे हुए नोट्स बेचने के लिए कुछ वेबसाइट हैं, जैसे स्टडी शॉप, वन क्लास, नोट अटोपिया, स्टूडेंट वीआईपी। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अपने फ़ोटो बेचें और पैसे कमाएं। अगर आपके पास कुछ अच्छे फ़ोटोज़ हैं और आपके कैमरे से लिए हैं, तो आप उन्हें अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आप अपने फ़ोटो को शूटरस्टॉक, फोटोलिया, आईस्टॉक फ़ोटो पर बेच सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्मार्टफोन में आपके खींचे हुए कुछ ज़बरदस्त फ़ोटोज़ बेकार ही पड़े रहते हैं, जो आपके किसी पिकनिक पर किसी पहाड़ी की झील या किसी सुंदर चीज़ का लिया था। आपके लिए वो फ़ोटोज़ भी लाभदायक बन सकते हैं, उनको भी ऑनलाइन फ़ोटोज़ बेच सकते हैं। बेचने वाली वेबसाइट पर लिस्ट कर दीजिए। जब कोई भी व्यक्ति आपके फ़ोटोज़ को पसंद करेगा या उसे ख़रीदने का मन करेगा, तो इन वेबसाइट के माध्यम से वे ख़रीद सकते हैं। ये वेबसाइट फ़ोटो के बिकने के बाद एक छोटी सी फीस लेते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है YouTube वीडियोस। आजकल YouTube सबसे ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वह मूवी ट्रेलर हो या न्यू सॉन्ग हो, सास बहू का नाटक हो या डिस्कवरी चैनल या कॉलेज की शरारतें या शादी की क्लिप्स, सब कुछ यूट्यूब में मिल जाती है। शायद कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे होते हैं, तो उस वीडियो के शुरू में या कुछ सेकंड बाद वीडियो के नीचे एडवर्टाइजमेंट चलता है। उसी एडवर्टाइजमेंट द्वारा लोगों को लाखों रुपए महीने मिलते हैं। बस आपको करना यह होता है कि आप या अपना या दोस्तों का बनाया हुआ वीडियो YouTube में अपलोड करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा Facebook, Google, Twitter जैसे सोशल साइट्स में शेयर करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियो को देखेंगे और YouTube में आएंगे। जितने ज़्यादा लोग वह वीडियो देखेंगे, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही से नहीं बल्कि अभी से काम में लग जाइए। और किसी भी प्रकार की मदद के लिए हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, सेल योर गिग्स ऑन फाइबर। फाइबर में गिग्स बेचें। फाइबर एक वेबसाइट है जिसमें किसी भी प्रकार के काम को खरीदा व बेचा जाता है सिर्फ $5 में। यानी फाइबर द्वारा आप किसी भी काम को बेच व खरीद सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, या फिर फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल लिख सकते हो, या वीडियो एडिट कर सकते हो, कोई भी काम जिसमें आप एक्सपर्ट हो बेच सकते हो और फाइबर से ऑनलाइन अच्छा पैसा कमा सकते हो। फाइबर से काम खरीदा भी जाता है और काम बेचा भी जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन मनी मेकिंग के तरीके और भी हैं, मगर आज मैं आपको 5 तरीकों के बारे में बताया है। तो आज से नहीं, अभी से लग जाइए अपने काम में। और अगर और भी तरीकों के बारे में जानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों।